हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज बात कर रहे हैं द अपकमिंग स्मॉल कार्स फॉर 2024, जो हैचबैक में, कॉम्पैक्ट सेडान में, कॉम्पैक्ट एसयूवी अंदर 2024 में इंट्रोड्यूस होंगी और आपके रडार पे हो सकती है। देखिए, पहली दो कार्स हैं फ्रॉम अ जापानीज ब्रांड होंडा कार्स इंडिया। होंडा कार्स इंडिया एक तो कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करेगी जिसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च टाइमलाइन रहेगी अराउंड मिड 2024। एक कंसिडरिंग द कॉम्पिटिशन, जैसे अब किया सोनेट का अपग्रेड आने वाला है, मारुति सुजुकी ने ब्रेजा लास्ट इंट्रोड्यूस की थी, हुंडई ने नई वेन्यू भी अभी हाल फिलहाल में इंट्रोड्यूस की थी, और आपको महिंद्रा की एक्सयूवी 300 नई आने वाली है, टाटा मोटर्स की नई नेक्सॉन है, तो साहब होंडा कार्स इंडिया इज गोइंग टू हैव द लास्ट लाफ, क्योंकि ऐसा पता लगने को आ रहा है कि होंडा कार्स इंडिया इस कॉम्पैक्ट एसयूवी में ऐसे ऐसे फीचर्स देगी जो शायद आपको एलिवेट में भी नहीं मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग 360 कैमरा सेटअप आपको मिलेगा, ऑटोनोमस फीचर्स भी आपको और एडवांस के रूप में इस कॉम्पैक्ट एसयूवी में अवेलेबल होंगे, प्लस होंडा का सिग्नेचर 1.5 iVTEC जो इनका सिग्नेचर एस्पेक्ट है वो भी आपको इस कॉम्पैक्ट एसयूवी में अवेलेबल होगा। मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम साथ कैबिन में स्पेस आपको बहुत बढ़िया मिलेगी, स्टाइलिंग फ्यूचरिस्टिक होगी, क्योंकि होंडा कार्स इंडिया जानता है आज की तारीख में कॉम्पैक्ट एसयूवी इज अ सेगमेंट जो सारे सेगमेंट्स को बड़ा बिल्कुल डैमेज कर रहा है। हैचबैक ले लीजिए, मिड सेडान ले लीजिए, जिन लोगों का बजट 8 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक का है वो लोग भी कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाह रहे हैं क्योंकि फीचर सबको चाहिए। तो होंडा कार्स इंडिया इस एसयूवी के अंदर आपको ताबड़तोड़ फीचर्स देगा, प्लस उसकी रिलायबिलिटी, प्लस कैबिन स्पेस, प्लस होंडा का सिग्नेचर 1.5 iVTEC पेट्रोल इंजन वो आपको अवेलेबल होगा। तो जून जुलाई के आसपास ये कॉम्पैक्ट एसयूवी इंट्रोड्यूस होगी, सर्टेनली होंडा कार्स इंडिया के सितारों को बुलंद कर देगी। जो दूसरी कार आपके रिटायर पे हो सकती है वो भी होंडा कार्स इंडिया की तरफ से है और वो है होंडा अमेज का थर्ड जनरेशन। यस, होंडा कार्स इंडिया अमेज के थर्ड जनरेशन पे भी काम कर रही है। एक्चुअली मारुति सुजुकी डिजायर का अगला जनरेशन भी 2024 में आएगा, तो होंडा कार्स इंडिया अमेज के नए जनरेशन पे काम कर रही है जिसमें अगेन आपको नए प्लेटफॉर्म में आपको नई अमेज होती हुई दिखाई देगी, प्लस कैबिन में स्पेस आपको बढ़िया मिलेगी, नया इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, ऑटोनोमस फीचर्स आपको होंडा कार्स इंडिया की नई अमेज में अवेलेबल होंगे, आपको 6 एयरबैग्स 2024 में मिलने शुरू हो जाएंगे इन टॉप एंड मॉडल वेरिएंट्स। तो ये चीज होंडा कार्स इंडिया की अमेज को नए हाइलाइट्स देगी। सो 2024 में आप अपने रडार पर रख सकते हैं होंडा कार्स इंडिया की दो कार्स। जो तीसरी कार आपकी नजर में हो सकती है वो अर्ली 2024 में इंट्रोड्यूस होगी, दैट इज ऑल अबाउट महिंद्रा XUV 300 फेसलिफ्ट एडिशन। देखिए, महिंद्रा इस कार के लिए बहुत ज्यादा पेप है। एक तो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में महिंद्रा XUV 300 के जो इंटीरियर्स है वो अभी थोड़े डेटेड महसूस होते हैं, और महिंद्रा चाहता है कि भैया लोग आज के में फीचर्स चाहते हैं, तो XUV 300 के अंदर अपलिफ्ट में आपको नए फीचर्स, नया इंटीरियर का आपको लेआउट मिलेगा, नया इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। महिंद्रा की XUV 700, महिंद्रा स्कॉर्पियो N, ये स्टाइलिंग के लिए, रोड प्रेजेंस के लिए बिक रही है, तो XUV 300 की भी एक्सटीरियर स्टाइलिंग में भी आपको एनहांसमेंट्स होते हुए दिखाई देंगे, प्लस कार में आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल टर्बो GDI इनका पेट्रोल इंजन मिलेगा जो अब महिंद्रा के एम स्टाइलिंग पेट्रोल इंजन में है, वो आपको अवेलेबल होगा। 6-speed टॉक कन्वर्टर में भी आपको कार अवेलेबल होगी, क्योंकि कार अभी आपको AMT में आती है, तो आपको प्रॉपर 6-speed टॉक कन्वर्टर का भी इसमें ऑप्शन मिलेगा। तो महिंद्रा XUV 300 का जो अपग्रेड है वो मोस्ट लाइकली फरवरी 2024 में आपको इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देगा। जो चौथी कार आपके रडार पे हो सकती है, या शुड से द फिफ्थ कार आल्सो, वो है कंट्री के लार्जेस्ट पैसेंजर का मेकर मारुति सुजुकी की तरफ से। मारुति सुजुकी इज गोइंग टू कम अप विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्विफ्ट एंड डिजायर। ये स्विफ्ट का फोर्थ जनरेशन होगा, साथ में डिजायर का भी आपको अगला जनरेशन अवेलेबल होगा। अब ऐसा सुनने में आ रहा है, आपने कुछ र्यूमर सुनने को पड़े होंगे कि भाई मारुति सुजुकी इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस स्विफ्ट इन हाइब्रिड 40 किलोमीटर की माइलेज। बॉस, बिल्कुल फर्जी न्यूज़ है, इसकी तरफ मत जाइए। हाइब्रिड से कार की कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए बढ़ जाती है, आपको पता होगा, आपने जो ग्रैंड विटारा में देखा होगा, असमा होगा स्विफ्ट 10 लाख से ऊपर एक्सशोरूम हो गया, तो इट कैन इम्पैक्ट द साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट ऑल्सो। तो स्विफ्ट में आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं आने वाला है, मैं आपको कन्फर्म कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ, जितने आई वर्क्ड एज एक्स मैन्युफैक्चर ऑल्सो, आई वॉज विद मारुति सुजुकी गुड 20 ईयर्स बैक, कुछ कॉन्टैक्ट्स भी हैं, तो मैं आपको इनसाइडर न्यूज दे रहा हूँ कि इस प्रकार का कोई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं आएगा, माइल्ड हाइब्रिड यस आ जाएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपको मारुति स्विफ्ट और डिजायर में नहीं मिलेगा।
दूसरा, आपने सुनने में आया होगा कि मारुति स्विफ्ट और डिजायर में आपको ऑटोनोमस फीचर्स मिलेंगे। भाई साहब, मारुति की इनविक्टो में भी आपको एडास नहीं आ रहा है, तो स्विफ्ट और डिजायर की ये फर्जी न्यूज जस्ट फॉर द क्रिएटिंग अ हाइप बन गई है। व्हाट आर यू गोइंग टू गेट इन केस ऑफ न्यू स्विफ्ट एंड डिजायर इज गोइंग टू गेट अ माइल्ड हाइब्रिड, प्लस आपको इम्प्रूव माइलेज मिलेगी, इंजन की ऑप्टिमाइजेशन बेहतर होगी, कैबिन में आपको मारुति सुजुकी का स्मार्ट प्रो टच स्क्रीन मिलेगा, 360 कैमरा का आपको सेटअप मिलेगा, कैबिन का अपलिफ्टमेंट होगा, और स्विफ्ट में और डिजायर में भी आपको 6 एयरबैग्स 2024 में मिलने शुरू हो जाएंगे इन द टॉप एंड मॉडल वेरिएंट। और सेम फॉर डिजायर आल्सो, जो अगली कार आपके रडार पे होगी नंबर 6 कार, वो होगी टाटा मोटर्स की तरफ से। देखिए, टाटा मोटर्स इज गोइंग टू एंटर इनटू द परफॉर्मेंस हैचबैक सेगमेंट। जब से टियागो जीटी भी गई, तब से टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस हैचबैक में कोई कार नहीं है, तो अब अल्ट्रॉस का रेसर एडिशन आपको अवेलेबल होगा। देखिए, अल्ट्रॉस रेसर की जो सबसे खास बात हो, एक तो कार में आपको मिलेगा नया 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन विद 120 पीएस पावर विद ऑलमोस्ट 170 न्यूटन मीटर टॉर्क। दूसरी बात, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो वही वाला है जो अब आपको हैरियर में, सफारी में आता है, 10.25 इंच का। कार के इंटीरियर्स आप देख सकते हैं, बड़े स्टाइलिश फंकी रेड थीम पे एक्सटीरियर की स्पोर्टी स्टाइलिंग। अल्ट्रॉस का रेसर एडिशन आपको सेफ्टी के मामले में भी 6 एयरबैग स्टैंडर्ड ऑफर करेगा। तो जिन लोगों का बजट है 11 से 13 लाख रुपए के आसपास, और जो चाह रहे हैं परफॉर्मेंस हैचबैक का जिसकी इमैक्युलेट राइड हो, टाटा मोटर्स की हैंडलिंग बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पेट्रोल इंजन हो, सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, सनरूफ भी अवेलेबल हो, तो वो अल्ट्रॉस के रेसर एडिशन को दे सकते हैं। मोस्ट लाइकली लॉन्च हो गया इन अराउंड सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2024। नंबर 7th कार है बॉस, वो अल्ट्रॉस की ही सिबलिंग, टाटा मोटर्स की पंच, बट दिस वुड बी एन इलेक्ट्रिक कार जो 2024 में इंट्रोड्यूस होगी। देखिए, पंच की एक अपील चल रही है जो लोगों को पसंद आ रही है। पंच इज सेलिंग वन अमंग द टॉप 10 कार्स ऑफ द इंडियन पैसेंजर का मार्केट, और पंच में अब इलेक्ट्रिक वर्जन आने की पूरी उम्मीद है। इसमें वही इलेक्ट्रिक मोटर होगी जो टियागो ईवी में आ रही है, आपको बैटरी सेटअप मिलेगा लॉन्ग रेंज के अंदर, और 11 से 14 लाख रुपए की आसपास कार की कीमत होगी। जो लोग चाह रहे हैं कि भैया मेरे को 5-स्टार बिल्ड क्वालिटी मिल जाए और इलेक्ट्रिक कार में हो, SUV जैसा उसका अप्रोच डिपार्चर एंगल हो, तो टाटा मोटर्स की पंच ईवी पे आपकी निगाह हो सकती है। जो अगली कार आपके रडार पे हो सकती है वो है अगेन जापानीज ऑटो मेकर से, बात कर रहा हूँ टोयोटा के बारे में। यस, टोयोटा, लेकिन टोयोटा की रश नहीं होने वाली है जो कई सालों से एंटिसिपेटेड है, इट्स गोइंग टू बी टोयोटा टाइजर। अब क्या बोलूं, नया प्रोडक्ट तो नहीं है, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स को ही रीबैच करके टोयोटा टाइजर इंट्रोड्यूस करेगी 2024 में। जो अगली कार है बॉस वो है महिंद्रा की तरफ से, महिंद्रा इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन थार फेसलिफ्ट इन 2024। देखिए, थार के दो वेरिएंट्स आपको 2024 में मिलेंगे, तो का थार 5-डोर वर्जन, लेकिन वो थार के लॉन्ग व्हील बेस पे होगा, तो 4 मीटर से थोड़ी ज़्यादा उसकी लंबाई होगी, उसमें 5 डोर होंगे। और जो थार का एग्जिस्टिंग वर्जन है उसका तो फेसलिफ्ट मिलेगा, जिसमें कॉस्मेटिक्स में आपको एनहेंसमेंट्स मिलेंगे, कुछ इंजन के नॉइज वाइब्रेशन कंपनी कम करेगी, थोड़ा चलाने के हिसाब से डायनामिक्स आपको बेहतर होंगे। सो थार का फेसलिफ्ट 2024 के मिड तक आपको भारतीय मार्केट में इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देगा। एंड लास्ट, नंबर 10 का जो आपके रडार पे हो सकती है वो है निसान इंडिया की तरफ से, निसान इंडिया मैग्नाइट का फेसलिफ्ट एडिशन, और सेम फॉर रेनो काइगर फेसलिफ्ट एडिशन इंट्रोड्यूस होगा 2024 में। देखिए, इस कार को 3 साल ऑलरेडी हो गए हैं मैग्नाइट को, और अब इस कार की जो सेल्स है उस पर निसान इंडिया सेलिंग मैग्नाइट विद ऑलमोस्ट 90-95,000 रुपीज डिस्काउंट, समहाउ वो सेल्स उतनी ज्यादा अपीलिंग नहीं हो रही है। तो कार में कुछ स्टाइलिंग में कंपनी अपडेट्स करेगी, कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स करेगी, उसने करिश्मा के साथ 2024 में लेके आएगी। अब कहने को तो सिट्रो भी एक नई सेडान कार लेके आएगी मास मार्केट के लिए, लेकिन मैं उस पर ज्यादा पैप नहीं हूँ, जिस हिसाब से सिट्रो की बाकी कार्स चल रही है, तो वो भी एक आपके लिए अपडेट है। तो ये सारी कार्स हैं जो 2024 में आपको इंडियन मार्केट में होती हुई दिखाई देगी। आप कौन सी कार के लिए एक्साइट हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। तो ये आज का डिटेल सेशन था, बाकी कार्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है कार्स के बारे में, फिनेंस के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, एक्सेसरीज के बारे में, यूज कार के बारे में, कम डाउन टू माई कार हेल्पलाइन फोरम सो एज टू गेट एन एक्सपर्ट सपोर्ट। आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू सो एज टू मेक अ राइट चॉइस। सो दैट वाज ऑल अबाउट ट्रांजिशन। इफ इन केस यू लाइक द वीडियो, अपवोट इट, शेयर, सब्सक्राइब टू माई कार हेल्पलाइन फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।